अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। हेलो 42, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। अपने घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी सुनने की चाह ज्यादातर शादीशुदा कपल्स को होती है। कभी कभी सेहत से जुड़ी किसी समस्या की वजह से यह चाह एक सपना लगने लगती है। हालांकि वक्त पर सही इलाज हो तो ज्यादातर मामले में यह चाहत पूरी हो सकती है। कौन सी वजहें हैं इस सपने की राह में रोड़े अटकाने की, आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि क्या है इनफर्टिलिटी और उसका इलाज। आज का यह वीडियो आधारित है डॉक्टर प्रतिभा सिंघल HOD गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर अमिता शाह सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल और डॉक्टर नीलम अग्रवाल आयुर्वेदाचार्य आरोग्य धाम। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी को समझना बहुत ही आवश्यक है कि क्या होती है इनफर्टिलिटी। बच्चा पैदा ना करने की क्षमता इनफर्टिलिटी कहलाती है। महिला और पुरुष दोनों में हो सकती है। आमतौर पर महिलाओं में 28 से 38 साल की उम्र को रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन की उम्र माना जाता है। इसमें 23 से 33 साल की उम्र को गर्भधारण के लिहाज से बेहतरीन माना जाता है। 38 साल की उम्र के बाद गर्भधारण करने में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, मसलन बच्चे का वजन कम होना, बच्चे में जन्मजात बीमारी का होना, जल्दी डिलीवरी होना आदि। शादी के 1 से 1.5 साल तक किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल न करने के बावजूद अगर महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर संतान जन्मजात वजहों से नहीं हो रही है तो उसे स्टरिलिटी कहा जाता है। इसमें प्रमुख है महिला के योनि द्वार या बच्चेदानी का ना होना और पुरुष में स्पर्म का ना बनना। इनका इलाज मुमकिन नहीं। दूसरी अवस्था वह है जिसमें इलाज के बाद गर्भधारण हो सकता है और यह अवस्थाएं भी 2 तरीके की होती है। पहला प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें महिला ने कभी गर्भधारण ना किया हो, और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसमें महिला ने गर्भधारण किया हो लेकिन एबॉर्शन हो गया हो। और बच्चा ना होने की क्या वजह हो सकती है इस मामले पर बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट का कहना है कि मोटे तौर पर 30% मामलों में महिलाओं में कमी, 30% मामलों में पुरुषों में कमी और 40% मामलों में दोनों में कमी बच्चा ना होने की वजह बनती है। और महिलाओं में क्या समस्या होती है इनफर्टिलिटी की वजह से? महिलाओं में फिलोपियन ट्यूब का बंद होना, यूट्रस संबंधी समस्या होना, मसलन गर्भाशय का छोटा होना, इसमें गांठ, रसौली, कैंसर या TV का होना, एग का नहीं बनना या फर्टाइल ना होना और PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना, ल्यूकोरिया, डायबिटीज, एनीमिया, मोटापा आदि कई समस्याएं महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण होती हैं। और पुरुषों में कौन सी समस्याएं होती हैं? स्पर्म का कम होना आमतौर पर पुरुषों में इनफर्टिलिटी की एक बड़ी समस्या है। पुरुषों में 15 मिलियन पर ml स्पर्म सामान्य माने जाते हैं। स्पर्म की क्वालिटी का खराब होना, इजेकुलेट ना होना, सिफिलिस या गनोरिया जैसी बीमारी का होना पुरुषों में इनफर्टिलिटी की कई सारी समस्याओं में से इन समस्याओं का जिक्र काफी किया जाता है। कुछ और वजहें भी होती हैं। करीब 10% मामलों में इनफर्टिलिटी की वजह का पता ही नहीं चल पाता। हालांकि देर से शादी, देर रात तक पूरी रात काम करना, ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंक करना, बेहद तनाव में रहना, मोटापा जैसी लाइफस्टाइल जुड़ी वजहें अक्सर इनफर्टिलिटी के पीछे होती हैं। कई बार कामशीलता या अधिक कामुकता जिसे निम्पोमैनिया भी कहते हैं जैसे मनोविकार भी इनफर्टिलिटी की वजह बनते हैं। और इनफर्टिलिटी में जांच या इलाज की जरूरत कब होती है? महिला की उम्र 18 से 25 साल हो और वह 2 साल से सामान्य शारीरिक संबंधों के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाती हो। यदि महिला की उम्र 25 से 38 साल हो और वह 1 साल के सामान्य शारीरिक संबंधों के बाद भी गर्भधारण न कर पाती हो। महिला की उम्र 38 साल से ज्यादा हो और वह 6 महीने के सामान्य शारीरिक संबंधों के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाती तो महिला या कपल्स को इलाज के लिए जाना चाहिए। कौन कौन से जांच और इलाज होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, आइए इस बारे में बात करते हैं।
तो महिलाओं के लिए ब्लड और हार्मोन टेस्ट सबसे पहले। महिलाओं के लिए शुरुआती जांच में ब्लड टेस्ट और हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। ब्लड टेस्ट में एनीमिया चेक किया जाता है। हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट पीरियड के दूसरे दिन कराया जाता है और इसमें फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जांच की जाती है, ये सही मात्रा में है अथवा नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो दवा दी जाती है। इसके अलावा HCG टेस्ट भी कराया जाता है। अगर हार्मोन टेस्ट ठीक होता है तो HCG टेस्ट करवाते हैं। यह टेस्ट पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद होता है। इसके लिए यूटरस कैविटी व मेम्ब्रेन और फिलोपियन ट्यूब्स की भी जांच की जाती है। फिलोपियन ट्यूब में डाई डालकर देखते हैं कि उनमें ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ट्यूब बंद है तो लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल कैनोलाइजेशन करते हैं। इसमें करीब आधे घंटे का वक्त लगता है और एक महिला को अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ता है। इसके अलावा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी की जाती है। अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अगर एग बन रहे हैं तो वे फर्टाइल कब होते हैं। अगर एग नहीं बन रहे हैं तो हार्मोन की दवा देकर एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि एक फर्टाइल कब होता है। एक फर्टाइल होने के बाद 12 से 24 घंटे गर्भधारण के लिहाज से सबसे कारगर होते हैं। इसके अलावा IUI भी किया जाता है। IUI का मतलब है इंट्रायूटराइनल इनसेमिनेशन। अगर नेचुरली गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो स्पर्म को साफ कर आर्टिफिशियल तरीके से यूट्रस में सीधा डाला जाता है। जिन पुरुषों में इंजेक्शन नहीं होता या स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है अथवा महिला को सर्विक्स संबंधी समस्या होती है, उन लोगों में इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लेटेस्ट तकनीक IVF और ICSMI इस्तेमाल की जाने लगी है, जिसमें स्पर्म को जबरन एक के साथ मिलाते हैं और 70% तक इस प्रोसेस में कामयाबी की गुंजाइश होती है। और IVF के बारे में जानकारी के लिए आप हमारा पुराना वीडियो एपिसोड भी देख सकते हैं, जिसमें हमने IVF के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि IVF क्या होता है, कैसे होता है और किन लोगों को IVF के लिए जाना चाहिए, और इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आइए बात करते हैं कि पुरुषों के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। तो पुरुषों के लिए सबसे पहले सीमेन टेस्ट किया जाता है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट में स्पर्म की क्वालिटी देखी जाती है। इसके अलावा VDRL या वॉशरमैन टेस्ट भी किया जाता है। इस टेस्ट से गनोरिया और सिफिलिस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुरुषों में LH और FSH का टेस्ट भी किया जाता है। इससे सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की जांच की जाती है और समस्या के मुताबिक दवा देकर इलाज किया जाता है। क्या आयुर्वेद में भी इनफर्टिलिटी का कोई इलाज उपलब्ध है, ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आयुर्वेद भी इनफर्टिलिटी में काफी कारगर है। समस्या की वजह जानकर पंचकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है, जिसमें संवेदन यानी स्टीम, स्नेहन यानी ऑयलिंग, विरेचन यानी एनिमा के अलावा पिचुवर्ती और डिशु जिसे स्त्रियों में प्रयोग किया जाता है, और यह क्रियाएं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट अपनी देखरेख में कराते हैं। इसके बाद लक्षणा घृत का सेवन वैद्य के परामर्श के अनुसार करना लाभदायक होता है, और वृहत कल्याण घृत, फल घृत और शतावरी चूर्ण आदि का प्रयोग भी काफी लाभदायक है, और योग भी आपको इनफर्टिलिटी से लड़ने में काफी मददगार साबित हो सकता है। ध्यान प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण रोजाना 15 से 20 मिनट करना भी फायदेमंद है, और योग के कई सारे आसन भी इनफर्टिलिटी में लाभकारी हैं, जैसे सूक्ष्मासन, बुद्ध कोणासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, तड़ासन, मूलबंध, योनि मुद्रा, और आप इन आसनों को करके आप इनफर्टिलिटी से लड़ने में काफी मदद पा सकते हैं। और अगर आपके इनफर्टिलिटी संबंधी कोई प्रश्न अब भी बाकी रह गए हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।